राघव सर, नावा का चार्ट देख सकते हैं, ये एनबी वेंचर्स जो पहले हुआ करता था, नवभारत वेंचर्स, नावा भारत वेंचर्स है अभी इसका नाम, जी नावा। एलेक्स सर, मुझे इसका चार्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत बारी इसमें ट्रेडिंग भी करी है और काफ़ी देर तक इसको होल्ड भी करके रखा था लेटली, और करंटली भी मुझे इसका स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। सिर्फ एक बॉदर करने वाला कंसर्निंग जो कारण है, जहाँ पे मैं जिसकी वजह से मैं अभी फ्रेश बाइंग नहीं दूंगा, वो होगा पिछले 5 दिनों की ये कैंडल का जो लो, पिछले 5 दिनों के लोज को वो आज ब्रेक कर रहा है स्टॉक, और अगर ये क्लोज भी इसके नीचे दे देता है तो ये मेरे लिए एक पैटर्न ब्रेकर होगा और यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। इसकी फ्रेश बाइंग आपको आज के हाई के ऊपर, जो कि 247 होगा, 247 के ऊपर ही आपको इसकी बाइंग करनी है, और स्टॉप लॉस के लिए इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस 238 पे मेंटेन करना है, करंट लेवल्स पे बाय नहीं करना। जी, तो ये है नव भारत वेंचर्स, एनबी वेंचर्स पे राघव सर की राय। तो आपके सवाल हम एक एक करके ले रहे हैं, लेकिन आप सुपर चैट का यूज या व्यूअर कोड का यूज कर सकते हैं प्रायोरिटी के लिए। और एक चीज और बता दूं कि आज थोड़ा सा चेंजेस हैं आज के शेड्यूल में, आज के गेस्ट लाइनअप में। तो अभी राघव सर के बाद में हमारे साथ में जुड़ेंगे लोकेश सेठिया जी। तो लोकेश सेठिया जी होंगे, तो अगर आपके उनसे रिलेटेड कुछ सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। उमेश शर्मा होंगे उसके बाद, फिर पंकज रांदड़ जी होंगे और चंद्र सुराना जी होंगे। ये आज का लाइनअप है, दोबारा से एक बार आपको अपडेट कर रहा हूँ।